सवाल जो कि कप्तान है कोहली का दोस्ती करता दोनों ही कप्तान अपनी टीमों को सुसज्जित कर दे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है माँ पाथावार नंदा क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है समापन हो रहा है और यहाँ पे दो टीमों का जो है आज मैच होने वाला है। फाइनल में जो टीमें पहुंची है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ प्रयासित स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया चौहान चौहान ASKL व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर से पहुंचे हैं हम गैरसन के क्रीड़ा मैदान में। जी हाँ, और जो शंखनाद ग्रुप द्वारा जो ये आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है उसके बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज जो दो टीमें खेल रही है उसमें से एक टीम को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे और लेते हैं उनसे उनका परिचय। तो चलिए, मैं रॉयल गढ़वाल का कप्तान जगदीश टमटा। आज हमारा फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है हमारी विपक्षी टीम मैखोली की टीम, जिसमें सारे लड़के हमारे हरियाणा से, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए आज एक अच्छा मुकाबला आपको फाइनल का देखेगा। माँ पाथावार नंदा के नाम से जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें आपको एक सुंदर मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा और कांटे भरा हुआ मुकाबला ये देखने को मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रोशन है जी। मनोज देवराड़ी, पीरा रावत, सुशील पवार, दीपक, पवन कठेर, आयुष कंडवाल, राजू बाला, विजय बरमोला, सूरज पुरोहित, हाय करो। अरे भाई, जगदीश टमटा का लकी चैंप आकाश टमटा। हेलो बच्चा, हेलो चैंप, हेलो चैंप करो और बोलो प्रणाम करो, प्रणाम के साथ बस बस। ओके, अब बोलो। मेरा नाम आकाश है, मैं क्लास फोर्थ में पढ़ता हूँ। आज मेरे को लगता है कि मेरी रॉयल गढ़वाल गैर की टीम जीतेगी। मेरे को अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू। अमर इंदौरा फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। योगेश राजपूत फ्रॉम सोनीपत। आयुष फ्रॉम सोनीपत। रितेश कुरुक्षेत्र। आदित्य पांडे। विजय सिंह। शिवम त्यागी। समय मैदान पे चल रही है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है जगदीश टमटा ने। कैसी तैयारी आज की? बहुत अच्छी तैयारी है, कम से कम रनों पे रोकेंगे अगली टीम को और अपना अच्छा करेंगे अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से 100% करेंगे। हाँ जी, जैसे हर मैच में चेस कर रहे हैं, पहले जो हमें चाहिए होता है बॉलिंग वो दूसरी टीम देती है अगर हम टॉस हारते हैं तो। आज में बॉलिंग चाहिए थी, हम चेस अच्छा कर रहे हैं हर मैच में, आपने देखा होगा सब स्पोर्ट में हमारे यहाँ पे सब अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया है माहौल है, मजा आ रहा है खेल कर। और ये देखिए दर्शकों की जो संख्या आप देख सकते हैं, आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग है वो दर्शकों से पता चल रहा है। ये देखिए, अब हेलो तो करो, करो, कौन जीतेगा? मैं आम दर्शकों से पूछ रही हूँ कि क्या लगता है कौन जीतेगा। मैं आम दर्शकों से पूछ रही हूँ कौन जीतेगा। हरियाणा जीतेगी मैच, हरियाणा। वो तो दिखाएगा मैडम आगे, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा उसको फल। क्या, कौन जीतेगा? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा जीतेगी। उसमें इस तरीके के प्लेयर हैं कि उनमें क्लास है हर चीज़ के लिए, वो आगे यहाँ आते हैं तो हर चीज़ का क्लास दिखाते हैं, इसलिए हरियाणा जीतेगी। बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस तरह से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की है गढ़वाल
लेकिन शरावत के पास भी अच्छी संतुलित टीम है। दूर वाले छोर से शरावत पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस पर खूबसूरत स्ट्रोक खेला है सीधे बल्ले से मिड ऑफ की तरफ। वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद एक रन के लिए दोनों बल्ले। दूर वाले छोर से हरियाणा की गेंदबाज और स्टंप से बाहर बढ़िया गेंद इस समय बल्लेबाज ने स्टंप्स कवर किया जाने दिया विकेट कीपर के क्लच में। टू रन एक छोर से गेंदबाज अगली गेंद ऑफ स्टंप के फिर से बाहर ओवर समाप्त हुआ पहला ओवर समाप्त टीम का स्कोर 5 रन के है किसी नुकसान के क्योंकि आयोजन समिति की ओर से जो आज चमकदार ट्रॉफियां हैं वो श्रीमान प्रवीण गैणी जी द्वारा दी जा रही है। शिवम की गेंद पर बहुत ही खड़ा अच्छा स्कोर सुना बल्लेबाज का खाली क्षेत्र में खेला स्कोर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को भेजा अब 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर को पहुंचा 9 पर। टीम का स्कोर 2 अंकों में 10 रन बिना किसी नुकसान के इनिंग का दूसरा ओवर जारी है। इस तंत्र की तारीफ करनी होगी तो एक गणितिकार उभर के आए हैं इस समय कोच बनेंगे अगली बार और ये गेंद इसको खेला है वहां पर अच्छा क्षेत्र रखा लेकिन गेंद होने के बाहर से आने लगते हैं कोशिश की थी क्षेत्र रक्षक ने इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 15 रन इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी है। मतलब तो इस तरह से इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 18 के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के। फाइनल की गेंद व्यवस्था श्री प्रकाश गौर प्रवक्ता भौतिक विज्ञान कुशांत तल्ली जी के माध्यम से हो रही है। दर्शन पवार को इशारा उठे बल्लेबाज अब वापस जाते हुए तो पहला झटका यहाँ पर नकुल 11 ने दिया है। शिवम ने पंकज बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर दोनों ही तरफ से देख रहे हैं तो सर जिस तरह से शिवम ने इस ओवर में वापसी करी और बल्लेबाज गए तो मुझे लगता है दबाव का एक क्षण है जो सहरावत ने पिछला ओवर मेडन डाला कहीं ना कहीं बल्लेबाज पर उसका दबाव था अनंत ओवर उन पर महंगा गया था और जो उनके कप्तान का भरोसा उन पर लगा रहा तो सहरावत की कप्तानी और दिग्विजय स्तंभ दोनों की कप्तानी ने काफी प्रभावित किया है। यही कारण है कि दोनों ही टीमें उस फाइनल में है हल्के हाथों से खेल दिया है और सब छोटी फील्डर के द्वारा इस बीच एक रन चुका लिया है दीपक ने अब स्कोर जा पहुंचा इस एक रन के साथ 24 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 4 ओवरों की समाप्ति पर तो आने वाले नवजोत अगली गेंद लीडिंग गेंद इस समय वहां पर क्षेत्र रक्षक देखने को अगर पाते नहीं गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए उसके और साथ ही टॉप जो बेस्ट हेल्प होंगे उनकी भी पुरस्कार स्कोर द्वारा हाथ दिए जाएंगे। ऑन साइड पर खेला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस चौके की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 34 रन एक बल्लेबाज के नुकसान के पश्चात। जो हरियाणा की टीम है कल उन्होंने गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल की टीम को हराया था आज गढ़वाल मंडल से मुकाबला है तो देखते हैं कि हरियाणा पूरे उत्तराखंड को हरा पाता है कि नहीं। आदित्य पांडे की राउंड कभी कितना लिखी और इस पर कोई मौका नहीं गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। और ये आदित्य पांडे की बहुत ही खूबसूरत ये बहुत बढ़िया और ये दूसरी विकेट गिरती हुई गैर टीम की दूसरी विकेट गिरती हुई वापस लौटे गए अच्छी पारी खेल रहे थे इस समय टीम का 56 रन 56 के ऊपर दूसरा बल्लेबाज और दीपक ने कितने रन बनाए हैं कितने गेंदों में इसका आंकड़ा तय किया जा रहा है 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे उचारी का सब है देखना होगा इस समय है। और ये गैर टीम की तीसरी विकेट गिरते हुए बल्लेबाज के रूप में बढ़िया लक्ष्य है बढ़िया 64 रन 10 ओवरों की समाप्ति पर तो 8 ओवर अभी भी खेले जाने से इसमें समझता हूँ संयम के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं तो एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं रोहित अग्रवाल को और हल्के हाथों से खेल दिया
बहुत बढ़िया लक्ष्य, बहुत बढ़िया रोमांचक मुकाबला। और मुझे लगता है संतनाथ सिंह बल्लेबाजों को तैयार अगली गेंद को फेंकने के लिए, और एक खूबसूरत छक्का लेकिन वहां पर छोटे प्रेक्षक भी इसको रोक नहीं पाएंगे। गेंद बॉल के बाहर, चार रन के लिए। और इस गेंद को खूबसूरती के साथ उठा लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया। लंबी गेंद थी और खामिया का भुगतना पड़ा शिवम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी है। पिछली गेंद लंबी थी, ये गेंद छोटी थी, और ये अब खेल केवल खेल नहीं है। एक दूसरे को देखना होगा शिवम पांडे। और इसमें खूबसूरत शॉट अपार अनुभव राजू बाला
17 ओवर कंप्लीट। हमारे आदर्श और सद्गुणात ग्रुप की आवाज सम्मान श्री जेपी ढोडा सर, सर यहाँ पर हर चीज देखने को मिली, अच्छी बेहतरीन क्षेत्र रक्षण मिला, बेहतरीन तेज गेंदबाजी मिली, स्पिन गेंदबाजी मिली, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, रनिंग देखने को मिली थोड़ा सा, और एक बार फिर से बैक फुट पर जाकर खेला और ये चले। और ये हरियाणा की टीम के खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट सर। मेरा नाम जगमोहन लखेड़ा, मैं यहीं पास गांव है मेरा सेंजी, और बचपन से हम इस ग्राउंड में खेले हैं, और हमारे एक थी पहले, सबसे पहले यहाँ पे जो टूर्नामेंट हुआ था 1988 में बांकेलाल मेमोरियल के नाम से यहाँ पे टूर्नामेंट होता था, उसके बाद नंदा देवी के नाम से भी हुआ, बहुत सारे टूर्नामेंट हुए, और जो बांकेलाल शाह जी के लड़के हैं नरेंद्र लाल शाह, जो इस टाइम क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उनके साथ हम यहाँ पे खेले हैं। तो हमारी एक छोटी सी इंटर कॉलेज की टीम थी, उसे लिटिल स्टार से हम नाम लेते थे। यहाँ पे हमारे भोला दत्त असनोड़ा जी हमारे कैप्टन हुआ करते थे, मैं स्वयं जगमोहन, हमारे राजेश भाई, बहुत सारे, तो इस ग्राउंड से हमारे बचपन से इंटर कॉलेज यहीं पे पढ़ा भी है हमने, और ऐसी यादें जुड़ी है कि आज तो ग्राउंड की स्थिति बहुत सुंदर है, स्टेडियम का ये सारा कुछ बना पड़ा भी है, और आज जो ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है, हमारे अंदर तक उत्साह इतना बढ़ रहा है कि हमें भी मौका मिले तो हम भी खेलें, ऐसा उत्साह हो रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो ये शंकरनाथ ग्रुप ने यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से आयोजन किया, मैं इन सभी आयोजकों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो हमारे हरियाणा से यहाँ पे बच्चे आए हैं हमें इनसे सीखने को मिले, और जो ये हमारे शंकरनाथ की टीम है सारे लोकल हैं यहाँ के, ये इनसे सीखें और हमारे स्टेट लेवल की टीम तक पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामना इन बच्चों के साथ है। और सारे दर्शक जो यहाँ पे हैं, जो सारे दर्शक यहाँ पे, इनका भी मैं दिल से अभिवादन और धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़ी सी बड़ी संख्या में आकर के इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और एक चीज़ मेरे को ये लग रहा है, जो शंकरनाथ की टीम द्वारा यहाँ पे 138-139 रन का जो 18 ओवर में स्कोर दिया है, ये बच्चे इतने फॉरवर्ड हैं, इनको अगर 200 का टारगेट रखते तो मेरे को लगता कि कुछ फाइटिंग होता, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये यहाँ पे दर्शनीय खेलें और ऐसी टेक्निकल तरीके से खेलें कि आने वाले बच्चे भी इनसे सीख लें, और आने वाले टाइम में जो हमारे उत्तराखंड की क्रिकेट एसोसिएशन की जो बना हुआ है उसमें इन बच्चों का सिलेक्शन हो, यही मैं साजी से भी गुजारिश करूँगा, जो हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उत्तराखंड के सचिव हैं, सब बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो हमारी यूट्यूबर बहन जी हैं इनके लिए भी धन्यवाद कि वो इसी प्रकार इस बात को आगे से आगे तक पहुंचाने में अपनी अपना योगदान दें, धन्यवाद। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन बनाए थे रॉयल गढ़वाल गैर ने, 139 रन बनाने हैं जीतने के लिए, मैं खुलेगा तो स्कोर मार मार मार, और ये धीरे धीरे मंच की अगली गेंद जबरदस्त है,
और मैं समझता हूँ अच्छी लाइन से बॉल करी लेकिन बहुत जल्दी उस गेंद को पढ़ लिया था। तो क्रिकेट केवल खेल कर ही नहीं पढ़कर भी खेला जाता है। हीरा और इस समय फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे सहरावत। अच्छी वापसी इनिंग का स्कोर है इस समय 36 रन 139 रन बनाने हैं मैं खोले 11 के लिए बाजी कर रहे थे। कप्तान जगदीश टम्टा द्वारा वहां पर आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट और कवर के रीजन के बीच में पूरा गैप है और काफी छोटी गेंद सुशीन द्वारा फेंकी गई जिसका भरपूर फायदा बाजी करी थी रॉयल गढ़वाल गैंड ने। और इस समय अपर कट खेलना चाहते थे लेकिन चूंकि अच्छी वापसी इस समय 40 रन चौथा ओवर प्रगति पर है। ओवर पिच गेंद इसको बड़ा शॉट मार चाहते थे इस समय सर ओवर रवि के कि कभी कोई सुशील किसी सुशील पर भारी पड़ रहे हैं और इस बार अंत में जीत हुई गेंदबाज सुशील की। बल्लेबाज सुशील इस समय मैदान से बाहर जाते हुए तो ये एक वापसी के लिए ताला मैं कह सकता हूँ कि अगले जो बल्लेबाज आ रहे हैं वो है लक्ष्य। और कल लक्ष्य ने तूफानी धुआंधार इनिंग खेली थी 139 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अब देखते हैं कि लक्ष्य किस तरह से लक्ष्य का पीछा करने में कामयाब होते हैं। लक्ष्य के लिए जबरदस्त गेंदबाजी अच्छी वास्तव में पसंदीदा टीम अगली है रन की कोई वहां पर संभावना नहीं। दोनों ने बल्लेबाज के बाद आए हैं बेहतरीन प्रयास किया था वहां पर आए हैं मैच को देखने के लिए। और बाहरी एक और उस पर अपील हुई है कैच बहन की मुकाबले कर फिर से
इस तरह से ये पटाखे इस समय आनंद लिए जा रहे हैं। ये नवजोत के पास भी कि अपने टीम को जिस आस के साथ जिस उम्मीद के साथ लाए राजूबाला भाई का बड़े दी जाएगी और एक शानदार फोन के द्वारा उनके टीम मैनेजर और कप्तान और पूरी टीम के द्वारा कहा जाएगा एक खेल ब्लॉक में वो दिया जाएगा। मेरा हमारे जितने विशिष्ट अतिथि हैं मुख्य अतिथि उनके समस्त लोग खड़े ना हो उनके पीछे का जो कैप है इनके जो हमारे भव्य सम्मानित दर्शक हैं सम्मानित हमारे यहाँ पे आए हुए जो बाहर से विशेष अतिथि लोग हैं समझ चाहते हैं कि बैठने की उचित व्यवस्था हम नहीं कर पाए सीमित संसाधनों के चलते तो हमारे मुख्य अतिथि का जो सम्मुख का जो क्षेत्र रहेगा वो खुला रहेगा यहाँ पर हमारे जो इसके बाद यहाँ पर इनाम डिस्ट्रिब्यूशन का कार्यक्रम होना है कि होने से हम यहाँ पर Thank you.